तो फ्रेंड्स आज मैं इस टाइप के कुछ फोटो एडिट करने वाला हूँ गाइस। तो आप दोनों फोटो देख सकते हो गाइस कि इस ऐसा फोटो था, ऐसा फोटो मैं बनाया हूँ और कैसे बनाया और कैसे नहीं बनाया गाइस। तो हमारे वीडियो को पूरा देखना गाइस और वीडियो को मिस मत करना, हमारे चैनल पर बने रहना और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी करना गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना होगा। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ प्लस साइन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑल फोटोज में क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, तो इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड है मैं खुद से बनाया हूँ गाइस, तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमको बताना कमेंट बॉक्स में। तो गाइस यहाँ पे चलता हूँ ऐड फोटो में, यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो ऐड करूँगा। तो गाइस ये फ़ोटो ऐड करने के बाद तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा गाइस। तो गाइस हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पे सेट हो चुका है गाइस। तब इसको यहाँ पे क्या करूँगा, डन करूँगा। उसके बाद चलता हूँ सीधा यहाँ पे टूल्स में जाने के बाद, यहाँ पे टूल्स में जाने के बाद यहाँ क्रॉप का ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको फ़ोटो को क्रॉप कर देना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने फ़ोटो को क्रॉप कर लिया। और उसके बाद फिर से चलता हूँ ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ पे गाइस सॉरी यहाँ पे मेरा ये कुछ PNG है, मैं इसको ऐड करता हूँ। तो गाइस देखो कि हमारा जो है ये ऐड हो चुका है गाइस, तो इसको मैं डन करता हूँ। कुछ जय श्री राम का PNG है, मैं उसको भी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ गाइस। तो ये वाली PNG में इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो गाइस इसका मैं क्रॉप कर लूँगा, ओनली जय श्री राम रहेगा। इसको यहाँ पे फिर से डन किया और इसको तो साइज़ को बड़ा कर दूँगा और यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। और फिर से क्या करूँगा कि यहाँ पे जाने के बाद आपको स्क्रीन पे क्लिक कर देना है गाइस। तो इसको मैं हल्का सा नीचे कर दूँगा, बस हल्का और बड़ा कर दूँगा गाइस। ये जो है गाइस आपको साइज ऊपर रखना, फिर इसको मैं डन कर दिया गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो फोटो है पूरा एकदम बिल्कुल लग रहा है कि सिंपल टाइप का है, बट इसको क्या करें कुछ कलर सेटिंग करेंगे तो फोटो जो है ना क्वालिटी चेंज हो जाएगा और फोटो जो है ना ये एकदम बिल्कुल मस्त लगने लगेगा। तो क्या करना है उसके लिए, तो उसके लिए आपको लाइट रूम में जाना है गाइस। अगर आपके पास लाइट रूम ऐप नहीं है तो आप सिंपल से जाकर प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो, एकदम फ्री अफकोर्स वहाँ मिलता है। ठीक है, तो वहाँ से आप ले सकते डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो फिर से चलता हूँ, इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ तीन डॉट पे क्लिक करके फोटो को। तो वैसे यहाँ पे मैंने फोटो सेव कर लिया है। तो फिर चलते हैं लाइट रूम में, तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहे हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस लाइट रूम में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अपना, लाइट रूम गाइस ओपन हो रहा है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो फोटो होगा यहाँ पे जो सेव किया हुआ, तो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे स्लाइड करना है, आपको जो फोटो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोटो बस यहीं कहीं होगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है, तो गाइस इसको मैं ऐड कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मेरा जो फोटो है यहाँ पहले से यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, पहले से नहीं, अभी जस्ट ऐड हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया गाइस। ठीक है, खुलना भाई, तो यहाँ फोटो मेरा खुल रहा है गाइस। तो यहाँ पे देखो फोटो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ आप कलर लाइटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर सेटिंग कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे कलर सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ लाइट, तो यहाँ पे लाइट आप क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पर कम करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा कम बेसिक कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा कर रखूँगा। उसके बाद आपको इस पर भी काम करना होगा गाइस। देख लो आप अच्छे तरीके से देखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फोटो एडिट करने में गाइस। यहाँ पे थोड़ा वाइट बैलेंस कम करूँगा, ब्लैक थोड़ा मैं यहाँ पे बढ़ा लूँगा गाइस। तो आप यहाँ पे थोड़ा मेरा ब्लैक को बढ़ा लेना, ये कुछ लाइटनेस दे देती है। तो गाइस यहाँ पे तो काम हो गया इसका काम, अब चलते हैं थोड़ा कलर सेटिंग करने के लिए। इस पर आने के बाद आपको मिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है इसको मैं ऑरेंज करूँगा, जो कि जो ये जय श्री राम का होता है ये ऑरेंज होता है, रेड नहीं। आपकी मर्जी रेड रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेड भी होता है बट ज़्यादा ऑरेंज बेहतर रहता है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। मैं तो यहाँ पे कलर सेटिंग कर रहा हूँ भाई अपने हिसाब से, ये नहीं कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप करना, बट कलर सेटिंग खुद से अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूँगा और इसको थोड़ा डार्कनेस दे दूँगा, और उसके बाद इफेक्ट हो जाऊँगा, इसको भी थोड़ा डार्क कर दूँगा, इसको भी हल्का सा डार्क करूँगा, उसके बाद इधर भी हल्का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। येलो पे क्लिक करके थोड़ा सा इसको मैं भी देखूँगा, तो हल्का सा इसको मैं बढ़ा दूँगा, हल्का इसको भी दे दूँगा और इसको भी हल्का प्रसाद दे दूँगा। तो वैसे देखो यहाँ सॉरी मजाक हो रहा है, वैसे मजाक नहीं था, बस ऐसे ही आपको फ़ोन ही कुछ होना चाहिए बीच बीच में। तो वैसे यहाँ पे देखो हमारा सारा काम हो चुका है, बट यहाँ पे कुछ फेस कलर करने के लिए आपको ऑरेंज भी क्लिक करना है इस पर,
और सबसे लास्ट वाले में आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना ताकि आपकी जो फेस है वाइट हो जाए, ज़्यादा वाइट मत कर देना गाइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस ऐसा फोटो था जो कलर करने के लिए आप तो कलर सेटिंग किए कि हमको फोटो क्वालिटी चेंज हो गया, देखो। तो गाइस इसको आप क्या करते हैं, डन करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको थोड़ा, इसको भी थोड़ा नीचे हल्का सा डाउन करेंगे और इसको हल्का बढ़ा देंगे ताकि ये फोटो जो परफेक्ट मस्त लगे। देखो गाइस हल्का सा थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ और इसको हल्का कम कर देता हूँ ताकि ये फोटो एकदम मस्त वाली लगे। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, लग नहीं रही, सॉरी गाइस मैं क्या क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी सॉरी लग रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी को तो मैं बढ़ा लेता हूँ ताकि ये फोटो का। उसके बाद आपको इसको पे इस पर भी क्लिक करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है गाइस, हल्का ज़्यादा नहीं, तो बस इसको मैं बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद आप गाइस अभी क्या करना है कि आप पहले फेस देख लो गाइस, फेस पे थोड़ा स्मूथनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा फेस को स्मूथ करूँगा। तो स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना है गाइस कि आपको जस्ट उसके नीचे एक इस पर क्लिक करना है गाइस, एरो जैसा बना हुआ इस पर क्लिक करना है और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। और हल्का सा स्लाइड करना है और इस पर ये देख लो गाइस इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको फेस को स्मूथ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सबसे लास्ट में भी यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मूथ कर देना, कलर स्मूथ होता है गाइस यहाँ पे। तो गाइस आप हमारा जो फोटो है देख सकते हो गाइस की कितनी अच्छी से एकदम परफेक्टली एकदम कलर सेटिंग हो गया है गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस ऐसे आप फोटो था, फोटो को जब लाइटरूम में आने के बाद फोटो का कलर ही चेंज हो जाता है गाइस। तो गाइस देखो कि अब कितना मस्त हो गया गाइस। तो अब इसको सेव करने के लिए क्या करना है गाइस, आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है और स्लाइड करना है और सेव टू डिवाइस पे सिंपल से आपको ओके पे क्लिक करके सेव कर लेना है गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपका ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो लोग भी सीखें और फोटो एडिट करें। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।